वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए देखेंगे। 8 मार्क्स के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको अच्छे से देखेंगे। एम्प्लॉय टेलर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.2। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 3e टू द पावर x वेयर y 0 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेंड विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पास ये सेकेंड पार्ट में है कि इसको जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका जो आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा टेलर सीरीज मेथड से, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब एनालिटिक मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। एनालिटिक मेथड में क्या क्या आता है, वेरिएबल सेपरेबल मैथड, होमोजीनियस मैथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस भी मैथड में ये आता होगा उस मैथड से, एनालिटिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वहाँ x की वैल्यू 0.2 रखेंगे और y का मान निकालेंगे, ठीक है, इस मेथड से। और इस मेथड से भी अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू x इक्वल्स टू 0.2 पर निकालेंगे। फिर दोनों वैल्यू को अपन कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है टेलर सीरीज मेथड में। और दूसरा में क्या करना है, एनालिटिक मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं, टेलर सीरीज मेथड से तो आप कई क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना, तो इससे भी देखते हैं टेलर सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, सॉल्यूशन बाई टेलर सीरीज by Taylor series method we know, क्या फॉर्मूला होता है y का, वाई एक्स या वाई इक्वल्स टू आप क्या बोलते हैं, वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, यहाँ आएगा वाई डैश जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल y डबल डैश जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश जीरो एंड x माइनस एक्स जीरो टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल y 4 0 एंड सो ऑन। ये है टेलर सीरीज मेथड, ठीक है। अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए यह इसका मान दिया हुआ है, y जीरो x जीरो का मान दिया हुआ है। यह x जीरो इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ये x जीरो की वैल्यू ये है, दिस इज अ x जीरो, x जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड ये y जीरो की वैल्यू है, y जीरो की वैल्यू जो है ये भी जीरो है। अपने को क्या करना है, केवल y डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है, y ट्रिपल डैश निकालना है, y 4 डैश निकालना है, वहाँ इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है। जैसे y डैश आपको दिया हुआ है, y डैश इक्वल्स टू कितना है, 2y प्लस 3e टू द पावर x, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, y डैश ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 2y0 प्लस 3e टू द पावर 0, ठीक है, 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y0 का मान कितना है, 0 प्लस 3e टू द पावर 0 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, y डैश 0 का मान हो गया 1। y डबल डैश निकालते हैं, y डबल इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2y डैश प्लस 3e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही आता है। अब यहाँ से y डबल डैश 0 की वैल्यू निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, 2y डैश 0 प्लस 3e टू द पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2y डैश 0 की वैल्यू कितना है, 3 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 9। उसी तरीके से आप यहाँ तक आ रहे हैं, नीचे तक, नीचे तक देखिए आ रहा है वाई ट्रिपल डैस, वाई को थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, 2y डबल डैस प्लस 3e टू द पावर x का, तो 3e टू द पावर x ही आएगा। वाई ट्रिपल डैस जीरो में आपको क्या मिलने वाला है, 2y डबल डैस 0 प्लस 3e टू द पावर 0, तो हो जाएगा 2y डबल डैस 0 की वैल्यू कितना है, 9, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 18 प्लस 3 21 आ जाएगा। उसी तरीके से y4 निकालेंगे तो 2y ट्रिपल डैस निकलेगा प्लस 3e टू द पावर x, तो ये वाई ट्रिपल डैश जीरो निकलेगा, वो सॉरी वाई फोर जीरो निकलेगा कितना, 2y ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, y ट्रिपल डैश 0 प्लस 3e टू द पावर 0, तो हो जाएगा 2y ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितना है, 21 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 45। ये सभी की वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन इन टेलर सीरीज इक्वेशन, ओ सॉरी, वाई वन डैश की वैल्यू कितना आया था, वाई डैश 10 की वैल्यू कितना था बताएंगे, वाई डैश 10 की वैल्यू 3 था, वाई डबल डैश 0 की वैल्यू कितना निकाले थे आप, वाई डबल डैश 0 की वैल्यू जो है वहाँ से निकालेंगे, वाई डबल डैश 0 की वैल्यू आएगा 9, वाई ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आपको यहाँ से 9 है, वाई ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू जो है ये 21 था, और वाई 40 की वैल्यू जो है 41। ये पूरी वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, वी गेट, तो आपको मिल जाएगा वाई एक्स, ये वाई एक्स भी बोलते हैं, वाई ज़ीरो का मान कितना था, 0, प्लस ये कितना है एक्स, एक्स ज़ीरो का मान 0, ये वाई डैश 0 का मान कितना है, वाई डैश 0 का मान है 3, प्लस ये क्या है एक्स माइनस एक्स 0 का मान कितना है, 0 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और वाई डबल डैश 0 का मान कितना है, 9, प्लस एक्स माइनस एक्स 0 का मान कितना है, 0 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, वाई ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितना है, 21, प्लस एक्स माइनस 0 टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू कितना है, 45। तो फाइनली यू विल गेट वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, ये हो गया 3x, प्लस ये हो जाएगा 9x² / 2 प्लस 3 7 7x³/2 प्लस 15 x² / 4/8 एंड सो ऑन। ये आपका निकल गया टेलर सीरीज मेथड से इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वाई की वैल्यू निकल गई है ना, वाई की वैल्यू निकल गई। अब इसकी वाई की वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, वाई की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू 2, अप्रॉक्सीमेट
वैल्यू ऑफ वाई वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप 0.2 रख दीजिए, तो आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स की जगह में 0.2, ये हो जाएगा 3 0.2 प्लस 9 0.2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 0.2 का पावर 3 बाई 2 प्लस 15 0.2 टू द पावर 4 बाई 8 एंड सो ऑन। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.8110। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया है। न्यूमेरिकल मेथड से जब इसकी वैल्यू निकाले तब ये आया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.2 पर इसकी वैल्यू इतनी आई। अब अपन सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में अपने को इसका एनालिटिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेंड, जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाला है वो कितना निकला है 0.8110, इसका कंपेयर करना है विथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एनालिटिक सॉल्यूशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके साथ इसका कंपेयर करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको यही बोल रहा है, कंपेयर द, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन विथ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ इसका कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब एनालिटिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो वी हैव, एनालिटिक मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 3 e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर x। आपको पता ही है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इसी फॉर्मेट में है। ये कौन सा इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, e टू द पावर पी डी एक्स करके, आप ट्वेल्थ में निकाले होंगे, क्लास ट्वेल्थ का है ये। और फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर